ये है हमारी इंडियन आर्मी। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले सिटी। कल का दिन था हमारा बहुत एडवेंचर से भरा। जब वो स्नोफॉल हुआ उसके बाद सब कुछ जम चुका था, बाइक तो जम ही चुकी थी, ऊपर से जितने भी हमारे केबल थे, अभी फ़ोन भी गलती से जम ही चुका था। अभी तो चालू है फ़ोन, बट हाँ तो कहाँ पे थे हम कल जो स्नोफॉल के बाद निकले, उसके बाद हमने व्लॉग करने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि गोप्रो के सारे बटन भी फ्रॉस्ट हो चुके थे। कितना होगा -3-4, इसकी तो मुझे तो मालूम, इसकी तो पूरी फटी पड़ी थी। जैसे तैसे करके कल शाम 10 बजे यहाँ पे पहुँच गए। और हाँ, गाड़ी का ब्रेक भी फेल हो चुका था, पता नहीं कैसे। उसके बाद जैसे हम नीचे उतरे ब्रेक काम करना चालू हो गया, मतलब कल पूरे की पूरी वाट लगी पड़ी थी हमारी। तो चलिए आज निकलते हैं लेह सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। उससे पहले मैं आपको होटल का रूम दिखा देता हूँ। बहुत मस्त रूम है और यहाँ से एक नंबर माउंटेन दिख रहा है। अभी विंडो को करते हैं बंद और एक्सप्लोर करते हैं आज लेह सिटी। ओके, तो अभी हमने ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लिया है और गोप्रो रिकॉर्ड कर रहा है। हाँ तो भाई, ये हमारा जो फैमिली वाला जो ड्राइवर है पंजाब वाला, वो हमें सुबह से बना रहा है, 5 घंटे ऐसे ही बर्बाद कर दिए। वो बोल रहा था कि अगर हम लोकल गाड़ी लेके लेह सिटी में घूमने जाएंगे तो लोकल टैक्सी ड्राइवर गाड़ी का कांच फोड़ देंगे या गाड़ी तोड़ देंगे। लेकिन जब हम टैक्सी यूनियन पे गए तो ऐसा कुछ था ही नहीं। उसके बाद हमने परमिट भी निकाल ली गाड़ी सिटी में घुमाने के लिए और ले अपना नुब्रा वगैरह सब जगह घुमाने के लिए। मतलब ये टैक्सी लेके आप आ रहे हो तो भैया ये सब आपको बना ही रहे सी। सुबह सुबह दिमाग का दही कर दिया और 5 घंटे लेह में ऐसे ही बर्बाद कर दिए, वरना एक दो जगह अभी तक तो हमने एक्सप्लोर कर ली होती। और अभी जा रहे हैं शांति स्तूपा की तरफ। आना है तो भाई पर्सनल कार लेके आओ या फिर आप खुद ड्राइव करके आओ, टैक्सी भी रेंट पे कर रहे हो तो इन ड्राइवर के सहारे मत रहो। जी ये है हमारी इंडियन आर्मी। थोड़ा दिमाग शांत हो गया इन लोगों को देख के। तो ये है हमारी इंडियन आर्मी, जय हिंद। अभी मैंने यहाँ पे होटल के वाईफाई से पूरे लद्दाख सिटी का ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लिया है। तो शांति स्तूपा का रूट हमारे मोबाइल में ऑलरेडी डल चुका है। सुबह सुबह ये कैब ड्राइवर ने हमारा दिमाग का भजिया बना दिया था, अभी थोड़ा फाफड़ा गठिया हो गया। शांति स्तूपा तक तो हमारी गाड़ी जा रही है तो अच्छा है, वहाँ से आप चल के भी आ सकते हो, नीचे से रास्ता था। लेकिन अभी तो शांति स्तूपा तक जा रही है और यहाँ से पूरा लेह सिटी शायद से दिखेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे तो ये डर था कि गोप्रो कहीं चल ना बसे कल। ओके, टू व्हील पार्किंग यहाँ पे है। हाँ, यहाँ से पूरा लेह सिटी दिख रहा है। अभी जा रहे हैं हम शांति स्तूपा में ऊपर। ओके, तो अभी हम पहुँच चुके हैं शांति स्तूपा। Thank you.
अभी हम पहुंच चुके हैं शांति स्तूपा। ड्रोन होता तो ज्यादा मजा आता, लेकिन नेक्स्ट टाइम देखेंगे ड्रोन का। तो आज से हम लद्दाख को गुजरात घोषित कर देंगे, क्योंकि जहाँ भी जा रहे हैं गुजराती ही गुजराती है। सबसे ज़्यादा घूम रहे हैं लद्दाख तो वो है गुजरात के लोग। अभी हम जा रहे हैं मॉनेस्ट्री की तरफ, यहाँ से 22 किलोमीटर। और हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया था, लेह सिटी बहुत ऑर्गेनाइज है, वहाँ पे आपको ट्रैफिक में फंसना नहीं पड़ेगा। अभी मोस्ट ऑफ होटल बुक है, फिर भी इतनी ट्रैफिक नहीं है। और मनाली में तो एक दो घंटे ट्रैफिक में ही जाते थे हमारे, और सेम ही पेड़ देखने को मिलते हैं। तो एक दो दिन आप घूमेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कौन सा एरिया है, वरना तो पेड़ हर जगह सेम ही लग रहे हैं मुझे तो। जय हिंद, आई लव माय इंडिया। पहला फ्यूल अप लेह सिटी का। कार चल रहा है ना फुल, इतना ठंडा पेट्रोल है। 10 लीटर 1097 आज के दिन का पहला फ्यूल अप, मतलब लेह सिटी का पहला फ्यूल अप। चल भाई बढ़िया, ओके रेडी, ओके। तो कल ठंड में जाने की वजह से हमारा सोनी अल्फा 7 Mark II हो चुका था ख़राब, अभी हो गया सही। और यहाँ का पेट्रोल इतना ठंडा है, टंकी पूरी ठंडी हो गई मेरी। फ्यूल डाला है या बर्फ़ डाला है, इतना ठंडा फ्यूल। और लद्दाख में अभी तक हमने 3 फ्यूल पंप देखे इंडियन ऑयल के, बहुत सारे फ्यूल पंप है, तो डोंट वरी अबाउट फ्यूल इन लद्दाख। और सामने है ब्यूटीफुल माउंटेन, एक नंबर, खड्डा भी है। मुझे तो ये लग रहा है कि हम लद्दाख में नहीं है अभी, अभी हम हैं गुजरात में। पूरी गुजरात की पब्लिक लद्दाख में आ गई है, नहीं पूरा गुजरात लद्दाख में ही बस गया है अभी। और लद्दाख में आपको, अगर आपके पास प्रीपेड जियो वोडाफोन ऐसा कुछ नहीं है तो नहीं नेटवर्क आएगा, प्रीपेड है तो आएगा, इसलिए एक तो प्रीपेड रखना ही पड़ेगा आपको। मैंने BSNL का लिया था कार्ड, सोचा था कि BSNL का यहाँ पे नेटवर्क आएगा, लेकिन वो मतलब पोस्टपेड होना चाहिए, प्रीपेड तो चलेगा ही नहीं। सॉरी, मैं अपने लफ्ज वापस लेता हूँ, आपके पास जियो या वोडाफोन का पोस्टपेड होना चाहिए तभी चलेगा लद्दाख में, या फिर आपको 450 में आपको मिल जाएगा जियो का सिम कार्ड विद इन 20 मिनट्स। अरे ऊपर तो देखो वो क्या लिखा हुआ है, कुछ तो लिखा हुआ है पहाड़ पे, एक नंबर लिखा हुआ है, एक नंबर। अच्छा ऊपर जाना है हमें, ऊपर जाना है। गाड़ी जाएगी का ऊपर जाएगी। Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way.